इल्म तो बहुत है, ईमान नहीं है। असलियत तो बहुत है, ईमान नहीं है। अकल तो बहुत है, इश्क नहीं है। इश्क इश्क नहीं है, इश्क ऐसी मारे मारे फिरते। नबी के साहब ने अनोह लिख वफी न साल हो, क्या हम हिलाक हो सकते हैं हम अच्छे लोग हों? कहा तब भी हिलाक हो सकते हैं अच्छे लोग हों। इज़ा कसर अल खबस, अगर अक्सरियत खुदा ताला की नाफरमानों की हो। पाकिस्तान में कितनी फीसद नमाजी हैं? नमाज छोड़ना छोटा गुना है, बड़ा गुना? एक घर में कितने फीसद नमाजी लगाओ हिसाब, ये छोटा गुना तो नहीं, इसका बवाल छोटा तो नहीं है। जिसने नमाज जान को छोड़ी, कुफर किया उसने, जिना शराब से बड़ा गुना, इसका बवाल आएगा नहीं आएगा? कालेज में नमाज अपनी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन बाकी अपनी जो मजमून चीज़ें पूरी करो। हर जगह ऐसा ही है। अब डिग्री वालों से पूछो कितनी नमाजें पढ़ते हैं, वो कहते हैं नमाजें तुम पढ़ो, हम बेकार थोड़ी हैं, हमारे पास काम है, हमारे पास सियासत है, हमारे पास मुल्क है, हमारे बहुत काम करनी है, नमाजें पढ़नी। इक्का दुक्का बीच में होगा जो थोड़ा कायल होगा, इक्का दुक्का सारे दिन। मस्जिदों किससे भरी होती हैं जाके देखो, ये छोटे अफसर छोटे डॉक्टर वो तो नहीं मस्जिदें भरते हैं, वो असम्बलियों में बैठते हैं, बड़े आपसों में बैठते हैं, मेहमान खसूसी बनते हैं, गार्ड साथ चलता है। फिर दूर न जाओ, यहाँ देखो कितने बैठे हैं, चल छोटे छोटे अफसर छोटे छोटे गलत, जिनको मुसीबत आई हुई है, मेरी मुसीबत कैसे टलेगी? वैसे फूसी खानी यहाँ भी आती है, वैसे नहीं आते, खुदा रसूल का पता होता है उनको, लेकिन कहते बाद मसले हल नहीं होते, ये अल्लाह की रहमत से हल होंगे। फिर अल्लाह की रहमत की ज़रूरत पड़ती है, उसको मरता क्या ना करता, वजीफे भी लिए, ये भी लिए जाके खबर में टांगे, अजमत रसूल का असर दिल में नहीं है। मरने वाला दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी किसका हुक्म है और सुन्नत का क्या मकाम है? हुक्मन सुन्नत है, हुक्मन। दूसरी सुनते तो छोड़ो, अगर वो भी कही जाए तो मोहब्बत कर सके, ना करे तो मोहब्बत की कमी, लेकिन हुक्मन सुन्नत में गुंजाइश नहीं है। एक काफिर काफिर नबी करीम के सामने आए, बुखारी हदीस के लिए, जब बात करने लगा आपने मुंह फेर लिया, इधर से मुंह फेर लिया, उससे कहा कुछ बात कर दी है, आपने कहा तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी नहीं है, उससे कहा हम जिस बादशाह के कायल है, हमारा मजहब हमारा वो कुछ बताया से, आप क्या खुदा का हुक्म हमको ऐसा? आका जी कहते जो इल्म को छुपाएगा खुदा आग की लगाम उसके मुंह में देगा। इधर बैठना आसान नहीं है,